साथियों, गांधी जी की स्वीकार्यता और लोकप्रियता देश काल और परिस्थिति से परे है। इसकी एक बड़ी वजह है सामान्य माध्यमों से अभूतपूर्व परिवर्तन लाने की उनकी क्षमता। क्या दुनिया में कोई सोच सकता था कि एक बेहद शक्तिशाली सत्ता तंत्र से मुक्ति का रास्ता स्वच्छता में भी हो सकता है? गांधी जी ने ना सिर्फ इसके बारे में सोचा बल्कि इसको आजादी की भावना से जोड़ा, इसे जन आंदोलन बना दिया। साथियों, गांधी जी कहते थे कि स्वराज सिर्फ साहसी और स्वच्छ जन ही ला सकते हैं। स्वच्छता और स्वराज के बीच के रिश्ते को गांधी जी इसलिए इस रिश्ते के प्रति बड़े आश्वस्त थे क्योंकि उन्हें विश्वास था कि गंदगी अगर सबसे ज्यादा नुकसान किसी का करती है तो हमारे गरीब भाई बहनों का करती है, गरीब परिवारों का करती है। गंदगी गरीब से उसकी ताकत छीन लेती है, शारीरिक ताकत भी, मानसिक ताकत भी। गांधी जी जानते थे कि भारत को जब तक गंदगी में रखा जाएगा तब तक भारतीय जनमानस में आत्मविश्वास पैदा नहीं हो पाएगा। जब तक जनता में आत्मविश्वास पैदा नहीं होता तब तक वो आजादी के लिए खड़ी कैसे हो सकती थी? इसलिए साउथ अफ्रीका से लेकर चंपारण और साबरमती आश्रम तक उन्होंने स्वच्छता को ही अपने आंदोलन का बड़ा माध्यम बनाया। साथियों, मुझे संतोष है कि गांधी जी की प्रेरणा से बीते वर्षों में देश के कोने कोने में लाखों लाख स्वच्छाग्रहियों ने स्वच्छ भारत अभियान को अपने जीवन का लक्ष्य बना दिया है। यही कारण है कि 60 महीने में करीब करीब 60 करोड़ भारतीय शौचालय की सुविधा से जुड़ गए। इसका मतलब है आत्मविश्वास से जुड़ गए। इसकी वजह से देश की बहनों को सम्मान, सुरक्षा और सुविधा मिली। इसकी वजह से देश की लाखों बेटियों को बिना रुके पढ़ाई का भरोसा मिला। इसकी वजह से लाखों गरीब बच्चों को बीमारियों से बचने का उपाय मिला। इसकी वजह से देश के करोड़ों दलितों, वंचितों, पीड़ितों, शोषितों, आदिवासियों को समानता का विश्वास मिला।